मैंने एक सांसद के नाते शुरुआत की, एमपी के नाते, और मैं रोहित जी और राहुल जी को बताना चाहता हूं कि पहले वाली जब हमने खेल महाकुंभ किया तो लगभग 40,000 से ज्यादा लोग आए थे, पिछली बार लगभग 45,000 से ज्यादा आए थे, इस बार हमने लक्ष्य रखा है 75,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और पिछली बार हमारा कैश प्राइज भी लगभग 50,00,000 रुपया कैश प्राइज था, अलग अलग गेमों के लिए था। कैश प्राइज या संख्या बड़ी बात नहीं है, पीछे भाव क्या है, सोच क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी इसी सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे देश के सभी एमपी जो बीजेपी के लगभग 400 से ज्यादा एमपी है उनके सामने रखने के लिए कहा, और कहा तुम कर सकते हो तो बाकी एमपी भी कर सकते हैं, और मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी, और उस प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा सबको अपने लोकसभा क्षेत्र में करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच थी, आज लगभग 300 से ज्यादा एमपी देश के अलग अलग कोने में सांसद खेल महाकुंभ कर रहे हैं, लेकिन हम हर बार उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। आप इस बार का आयोजन भी देखिए, अगर पसंद आया हो, ये स्टेज बना हुआ, ये फील्ड बनी हुई, और रोहित शर्मा जी और राहुल द्रविड़ जी अपने बीच में आए, पसंद आए हो तो जरा एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। पहली बार सचिन तेंदुलकर आए थे, अब एक नहीं दो दो ऐसे सितारे आए, राहुल द्रविड़ जी जिनको द वॉल के रूप में जाना जाता है, वर्षों तक 16 साल से ज्यादा भारतीय टीम के लिए खेलना ये छोटी बात नहीं थी, और उसके बाद जब मैं राहुल जी से अनुरोध किया कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आइए, हमें भविष्य का टैलेंट निखारना है, आप इंडिया ए की टीम के साथ, अंडर 19 की टीम, इनके साथ समय लगाइए, नहीं तो कोई भी इनके स्तर का खिलाड़ी होता तो मेन टीम का ही कोच बनता। राहुल को पता था कि अगर हम अपनी नर्सरी तैयार करेंगे, पाइपलाइन तैयार करेंगे, बेंच स्ट्रेंथ तैयार करेंगे, तब जाके भारत की आने वाली क्रिकेट और सशक्त होगी। और इस महान खिलाड़ी की एक महान खूबी आज मैं ये भी बता रहा हूं, इन्होंने एनसीए के डायरेक्टर से लेके इंडिया ए की टीमों से लेकर अब जाके मेन टीम के कोच बने, ये दिखाता है कि भारत इनके लिए मन में क्या है। इनके लिए पैसा चकाचौंध या वो पद नहीं था, इनके लिए भारत क्रिकेट का भविष्य सुनहरा हो और सुरक्षित हो, वो सोच को लेकर चले थे।